गोमो के लोको बाजार मस्जिद रोड में कुछ दिनों पहले एक लाइसेंसी शराब की दुकान खुल गई है। स्थानीय लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये मस्जिद से महज 50 मीटर की ही दूरी पर है और साथ ही कुछ ही दूरी पर मंदिर भी है। रिपोर्ट देखें। गोमो के लोको बाजार मस्जिद रोड में कुछ दिन पहले एक लाइसेंसी अंग्रेजी शराब की दुकान खोली गई थी। शराबियों की जमावड़ी के कारण स्थानीय लोगों ने विरोध किया, लेकिन लोगों का कहना है कि मस्जिद और मंदिर के आगे शराब की दुकान खोलना समझ से परे है और अनुमति कैसे दे दी गई। शराबियों के कारण झगड़े और झंझट होने की पूरी संभावना रहती है। वहीं मुखिया प्रतिनिधि मैजुदुद्दीन अंसारी ने कहा कि आने वाले दिनों में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और प्रशासन को चाहिए कि इस शराब की दुकान को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करवा दे। नहर पे मस्जिद के सामने थोड़ी ही दूरी पे खुला गया है और ये खुला है तो ये भी गलत है। मस्जिद से आगे पीछे होना भी चाहिए। इसी के जस्ट पीछे जो दारू का दुकान है, छोटा जैसा मंदिर भी है, तो किस आधार पे है वो, तो अगर उसका जोड़ा जाए तो उसी के जस्ट पीछे है। उत्पाद विभाग को मंदिर और मस्जिद जैसे धार्मिक स्थलों को ध्यान में रखते हुए शराब दुकान की खोलने की इजाजत देनी चाहिए, लेकिन वहीं उत्पाद विभाग के एक अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर फोन पर बताया कि कोई भी शराब की दुकान धार्मिक स्थलों से 500 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। इस पर अब क्या कहा जाए? क्या उत्पाद विभाग ने सारे नियमों को नजरअंदाज कर शराब की दुकान खोलने की अनुमति दे दी है? ये जो है यहाँ ना दे करके दूसरी जगह दे तो अच्छा रही है। आस पास बगल में मस्जिद है, ये धार्मिक स्थल है, इससे बगल में और मंदिर भी है। मुखिया प्रतिनिधि मैजुदुद्दीन अंसारी ने बताया कि मस्जिद और मंदिर के आसपास इस तरह की मादक चीजों की दुकानों को खोलने से पहले प्रशासन को सोचना चाहिए, क्योंकि शराब दुकानों में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का जमावड़ा होना आम बात है। खुलता और कानून के हिसाब से वो दायरे में आता है तो नहीं होना चाहिए, और दायरे से यानी कानून का अति हिसाब पर है वो, तो उसकी मर्जी। इधर मस्जिद है, उस तरफ मंदिर है, तो अच्छा नहीं है। गोमो के लोको बाजार मस्जिद रोड के कुछ ही दूरी पर शराब की दुकान खोलना कहीं से भी उचित नहीं है। मुखिया प्रतिनिधि ने मांग की है कि इस शराब की दुकान को कहीं दूसरी जगह लोको बाजार में खोला जाए ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। अब देखने वाली बात होगी कि उत्पाद विभाग कब तक कार्रवाई करता है। इस पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। गोमो से सहयोगी राजू हमारे साथ है। राजू, 500 मीटर की दूरी होनी चाहिए कोई भी धार्मिक स्थल से शराब की दुकान, लेकिन यहाँ पर ये नियम क्यों नहीं अपनाया गया? जी, जहाँ तक शराब दुकान खोलने की बात है, मंदिर और मस्जिद से कम दूरी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ जो गोमो के लोको बाजार में जो शराब की दुकान जो खुली है, अंग्रेजी शराब की दुकान, वो लगभग 50 मीटर की दूरी पर होगी, जिससे लोगों के आस्था के साथ में कहीं ना कहीं तो खिलवाड़ तो हो सकता है और आने वाले समय में ये एक झगड़े का रूप भी वहाँ ले सकता है। इसलिए कि अमूमन आपने देखा होगा कि जहाँ भी शराब की दुकानें होती हैं वहाँ लोग अगल बगल शराब खरीद कर पीते हैं, और सामने में 50 मीटर की दूरी पर मस्जिद है, वो भी कौन मस्जिद, छोटी मोटी मस्जिद नहीं, वो जामा मस्जिद है। हमने वहाँ के स्थानीय लोगों से बातें की हैं, आप इस फुटेज में देख सकते हैं कि लोगों ने कहा कि इस स्थान पर शराब की दुकानें खुलना कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, इसलिए जिला प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए कि कम से कम मस्जिद से अलग हट कर दुकानों को खोली जाए तो उसमें लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शराब की दुकानों से राजस्व की प्राप्ति होती है, झारखंड का विकास होता है, तो ये कोई ख़राब बात नहीं है, गलत बात नहीं है, लेकिन कम से कम जहाँ इबादत होती है वहाँ से दूरी बनाए रखना ये एक ज़रूरी चीज़ होती है। हमारे ये खबर चलने के बाद शायद जिला प्रशासन इस पर थोड़ा ध्यान देगी। जी, विभाग इस पर कार्रवाई करे और कोई भी धार्मिक स्थल से कम